हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ, इसमें मैं आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब बेसिकली कैसे ओरिजिन हुआ, ठीक है, और इसको कौन कौन इसको एक्सक्यूवेट किया, जैसे कि आर डी बनर्जी का काफ़ी रोल है, रखाल दास बनर्जी का, दयाराम साहनी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और आप जॉन मार्शल का भी इसके अंदर रोल रहा है, मतलब जो कि आर्मी सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे उस समय 1920 के आसपास में, जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक्सकेवेशन करना चाहिए। उसका मैं आपको इंपॉर्टेंट साइट्स बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मैं आपको मांडला बताया उसका जो बेसिक जो था, मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम उसे क्या बोल सकते हैं, उसकी एक तरीके से आप बोलेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसका जो एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आप जरा रिकॉल करिए कि नॉर्थ में क्या था, जरा नाम बोलिए बोलिए नाम भाई बोलिए, क्या था नॉर्थ में जो मैं आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है? अगर आप घर में हैं तो आप तेज बोलिए, अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो लिख दें अपने कॉपी में, क्या था भाई याद करिए, उसका नाम एम से था, ठीक है। ईस्ट में क्या था याद करिए भाई, याद करिए बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं तो लिखिए बताइए क्या है, उसका नाम ए से था। साउथ में क्या था भाई सोचिए, लिखिए लिखिए, उसका नाम डी से था। वेस्ट में क्या था भाई, लिख दीजिए लिखिए लिखिए लिखिए, उसका नाम एस से था। एम से आपको याद आ रहा है क्या था नाम, एम से था बोलिए बोलिए, मांडला जम्मू कश्मीर। ए से क्या था, आलमगीरपुर कहाँ पर यूपी में। डी से क्या था, दाइमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ऐसे क्या है, सुक्ता गिंदौर वेस्ट में है ये, आज के में जो पाकिस्तान का डिवीजन है आपको ये वहां पर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता बेसिकली आपको, उसके बाद फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी साइट्स था मैं उसके बाद मैं आपको बताया, जैसे कि हड़प्पा के बारे में बताया था, ठीक है, उसको दयाराम साहनी ने 1921 में उनको खोजा था, ठीक है। मैं आपसे पूछा था मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है, यहाँ पर ग्रेट बात मिला है यहाँ पर, ठीक है, एडवांस टाउन प्लानिंग है यहाँ पर थी, मतलब बेसिकली मैंने आपसे पूछा था कि मोहनजोदड़ो को आज के प्रेजेंट डे में किस मतलब कहाँ पर है और उसको किसने खोजा था। आंसर लिखिए मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था और इसको कब खोजा था, वो डेट पर्टिकुलर बताइए फटाफट थोड़ा सा। उसका आपको बताया था राखी गिरी, जो आपको लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की भारत में, ये आपको हरियाणा में है। फिर मैं आपको बताया था कालीबंगन के बारे में, रिकॉलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, विदाउट रिकॉलिंग के लिए कि अगर आप रिकॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो कालीबंगन आपको राजस्थान में है, यहाँ पर आपको बेंगल की इंडस्ट्री मिली है यहाँ, मतलब बेसिकली आपको। उसके बाद आपको लोथल बताया था, लोथल क्या था, आपको गल्फ ऑफ कैम्पेन था, ठीक है, ये कौन सी रिवर पर है जरा याद करिए थोड़ा सा, लोथल कौन सी रिवर पर है जरा बताएं थोड़ा सा, अगर नहीं पता है, अगर मैंने अगर नहीं लिखा जाए कल तो आज उसको लिख लीजिए, लोथल सोचिए कौन सी रिवर पर है जरा सा सोचिए, उसे पढ़ना नहीं भाई दोस्त, उसको याद भी करना है, उसको रिकॉल भी करना है, वी हैव टू रिकॉल ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। तो रिवर वो क्या है भाई, कौन सा है बताइए बताइए, लोथल कौन सी रिवर पर है, भगोवा पे है। आप मुझे बताएं कि भगोवा जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, बताइए थोड़ा सा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आपको जो लोथल जो है ये आपको गुजरात में है, ठीक है। मैं आपको धोलावीरा के बारे में आपको बताया था कल कि ये कुछ अलग है, धोलावीरा क्या है, जो थोड़ा सा अलग होता है उसके बारे में पूछा जाता है, एक्सेप्शन को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर 3 लेयर टाउन प्लानिंग थी, किसके बारे में, धोलावीरा के बारे में, धोलावीरा। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा है, उसका भाई रहता है वीरा, याद है ना, तो वो कहाँ से है, वो गुजरात से है, ठीक है।
ये आपको मोस्ट एडवांस साइट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहाँ पर आपको है ठीक है। यहाँ पर आपको गैरिसन टाउन भी मतलब मिलता है ठीक है, और इसको यूनेस्को वाले हेरिटेज साइट में भी इसको ऐड कर लिया गया था, और पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से जिसको कि यूनेस्को वाले हेरिटेज साइट में इसको ऐड भी किया गया था। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 4 से 5 मिनट रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है, ये अपने आप स्टडी में आप इसको लाइए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पॉलिटी कैसा था, मतलब जो पॉलिटी था वो कैसा था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो था बेसिकली जो टाउन प्लानिंग था उससे ये बात महसूस होता है, जिस तरह का ये लोग का जो टाउन प्लानिंग था उससे वो बात महसूस होता है कि वो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रहा होगा ठीक है। क्या होगा, सेंट्रलाइज सिस्टम रहा होगा ठीक है, जिस तरीका से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग जो सिटाडल वाला जो हमें देखने को मिलता है, तो ऐसा लगता है कि हमको सेंट्रलाइज्ड है अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो मतलब बेसिकली रहा होगा ठीक है, जो कि रूल करने के लिए ठीक है। क्योंकि विदाउट सेंट्रलाइज अथॉरिटी के इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, और जो जिस तरह का जो टाउन प्लानिंग, जिस तरह का मेजरमेंट, जिस तरह का जो आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह के जो इसके स्क्रिप्ट, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें, जो स्टोन वर्क जो था बेसिकली, जो सील था, जो पोट्री था, जो वेट एंड मेजर्स था, तो जो आपको इमेजेस वगैरह था, वो एक जैसा नहीं हो सकता है अगर सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होगी तो ठीक है। तो इससे बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी था, अब रूल कौन कर रहा था, अब इस पर भी बहुत कन्फ्यूजन है ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मोनार्क कर रहे थे, लेकिन ये वाले इस थ्योरी से हम लोग को एविडेंस नहीं मिला ऐसा कि मोनार्क वहाँ पर रूल कर रहा था। लेकिन हाँ, मर्चेंट और ट्रेडर जो है, बहुत सारे हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि मर्चेंट और जो ट्रेडर्स है वो रूल कर रहे थे ठीक है। चलिए लिखें, कॉपी पेन उठाइए फटाफट लिखिए, पॉलिटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका हेडिंग रहेगा। पॉलिटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, पॉलिटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक है। तो पॉलिटी में क्या था, मैं लिखे था, फ्रॉम द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इट सीम्स दैट देर वॉज अ सेंट्रलाइज सिस्टम इन इंडस वैली, उसी को ब्रैकेट में लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और बिल्डिंग सिटाडल, आगे लिखिए, मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियन कंक्लूड दैट इंडस वैली वॉज रूल्ड बाय रिच मर्चेंट एंड ट्रेडर्स, दे रिजेक्ट द सिस्टम ऑफ मोनार्की। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको पॉलिटी आपको डन हो गया है ठीक है। क्योंकि दोस्त आप 4 पेज का आप नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि इतना ही आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी जो मतलब था वहां पर जो सेंट्रलाइज सिस्टम एक तरीके का था ठीक है, और वहां पर ट्रेडर्स, मोनार्क और ट्रेडर्स जो बेसिकली वहां पर रूल कर रहे थे, और जो सिस्टम ऑफ जो मोनार्की है उसको मतलब उन्होंने रिजेक्ट किया है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको पॉलिटी आपको डन हो गया, आइए आप आपको सोसाइटी में आइए, क्या लगता है आपको सोसाइटी मतलब कैसी होगी। तो जो टाउन प्लानिंग जो था इंडस वैली जो सिविलाइजेशन का ठीक है, उससे इस बात का इन्फर एक तरह बोल सकते हैं, फिर मैसेज बोल सकते हैं कि जो सोसाइटी थी वो अनइक्वल इन नेचर थी। कैसी थी, अनइक्वल इन नेचर, कोई रिच है कोई पुअर है ठीक है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं थी। मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर नहीं था, जो पुअर है वो भी रिच बन सकता है ठीक है। और एक और कंसेप्ट था यहां पर को एग्जिस्टेंस का, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, को एग्जिस्टेंस का, क्या था, को एग्जिस्टेंस,
को एग्जिस्टेंस था, मतलब यहाँ पर इंडस वैली आपको सिविलाइजेशन में, और यहाँ पर मोबिलाइजेशन था सोसाइटी, मतलब कि जो नीचे के लोग ऊपर भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का मतलब बेसिकली आपको था, आपको सोसाइटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखिए, प्राप्त होता है उसको हेडिंग प्रावर्ड, उसको पुट करिए, लिखिए सोसाइटी ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट कैन बी इन्फर डैट सोसाइटी वॉज अनइक्वल इन नेचर, बट इट कैन ऑल्सो बी सेड डैट इट वॉज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। फर्दर इट कैन मेंटेन दैट देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस वैली एंड ऑल्सो मोबिलाइजेशन इन द सोसाइटी। देखो मैं आपको फिर से बोल देता हूं, फ्रॉम द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इट कैन बी इन्फर दैट सोसाइटी वॉज अनइक्वल इन नेचर, बट इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इट वॉज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। फर्दर इट कैन मेंटेन दैट देयर वॉज अ कंसेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस वैली एंड ऑल्सो मोबिलाइजेशन इन सोसाइटी। देखो आगे बढ़ते हैं, ये आपको हो गया सोसाइटी, अब आपको खत्म हो चुका है आपको इंडस वैली का। अब आइए आप अथॉरिटी सिस्टम, यहाँ पर बेसिकली मतलब कैसा था आपको, मतलब यहाँ पर उसकी मतलब एक तरह से अथॉरिटी कैसी थी, मतलब एक तरह बोल सकते हैं कि कौन मतलब किसकी मतलब अथॉरिटी थी, मतलब एक तरह से आर्कियल सिस्टम ऑफ इन द मतलब सोसाइटी में, मतलब वो लोग मतलब किस चीज़, मतलब वो लोग बेसिकली मतलब वर्शिप वगैरह क्या करते थे, मतलब उसका मतलब क्या पैट्रियार्कल सोसाइटी था या फिर आप बोल सकते हैं कि मैट्रियार्कल था, किस टाइप का था। तो बहुत सारा ऐसा हिस्टोरियन का मानना है, हिस्टोरियन जो सोसाइटी थी वो आपको पैट्रियार्कल था, वो बताते हैं कि जो हेड ऑफ द प्रिस्ट को मतलब जो मिला है उसके बाद पता चलता है, लेकिन वो आपको मेन ही था, लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी ना, जो हिस्टोरियन का जो मानना है, बहुत सारे अदर जो बहुत सारे जो मेजोरिटी है, मान लीजिए कि 100 लोग हैं इसमें से 51 लोग ये बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल था। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर जो गॉडनेस, जो मदर गॉडनेस का जो इमेज मिला है वो एबंडेंट अमाउंट में मिला है, इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, मैट्रियार्कल थी, ठीक है। इतना आपको याद रखिए, लिखिए आर्कियल सिस्टम इन द सोसाइटी, आर्कियल इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए अथॉरिटी, अथॉरिटी सिस्टम इन द सोसाइटी लिखिए। मेनी ऑफ हिस्टोरियन कोटेड दैट इंडस वैली सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल इन नेचर, दे साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ हेड प्रिस्ट हु वॉज ए मेल। मेजोरिटोरियन ऑफ द हिस्टोरियन मेंटेन दैट मेजोरिटेरियन ऑफ द हिस्टोरियन मेंटेन दैट सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कल। एंड दे साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट एबंडेंट इमेज एंड दे साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट एबंडेंट इमेज फाउंड फ्रॉम द इंडस टाउन दैट इज मदर गॉडनेस, ठीक है। ये आपको खत्म हो गया अथॉरिटी सिस्टम इन द सोसाइटी, आर्कियल सिस्टम इन द सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हम देखते हैं इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी कैसी थी। देखिए ये लोग ट्रेड वगैरह भी क्या करते थे, एग्रीकल्चर भी यहां पे क्या करते थे,
ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं एक तरीका से, मतलब सॉरी हाँ, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इकोनॉमी जो एक्टिविटी थी जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की मतलब बेसिकली कैसी थी, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी देखने को मिल रहा है और ये लोगों का जो इन लोगों का जो है बेसिकली जो ट्रेड है वो भी काफ़ी मतलब बेटर है, ठीक है, मतलब दूसरी कंट्री के साथ में। तो एग्रीकल्चर भी है और आपको ट्रेड भी है, लिखिए एक्टिविटी। और ये लोग ट्रेड कहाँ से करते थे, ये लोग इम्पोर्ट भी करते थे एक्सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। ये लोगों को मतलब बहुत सारा एविडेंस मिल रहा है, मतलब ये लोग ट्रेड मतलब बाहर से भी क्या करते थे, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा हेडिंग बनाइए, इकोनॉमी एक्टिविटी ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हेडिंग बना लिए, लिखिए एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एट दिस टाइम। ये आपको हो गया। अब लिखिए फॉलोइंग एग्रीकल्चर, पहला कौन सा आपको कॉटन है, पहला कौन सा है कॉटन, क्या है कॉटन, हम जिसको उसको वो लोग क्या बोल देते हैं सिंदून, ठीक है। उसके बाद क्या है वीट है, मिलेट है, पी है, मेलन्स है, ठीक है। ये आपको हो गया बेसिकली, मतलब ये आपका फॉलोइंग एग्रीकल्चर था आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे लिखना है इन द लेटर एज, इन द लेटर एजेस कॉटन वॉज कॉल्ड सिंदून एज इट वॉज द नेटिव प्लांट ऑफ सिंधु घाटी मतलब इंडस वैली। इन द लेटर एज कॉटन वॉज कॉल्ड एज सिंधुन एज इट वॉज द नेटिव प्लांट ऑफ सिंधु घाटी इंडस वैली। आगे लिखिए कॉटन वॉज एट द बेस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच फ्लोरिस एट हड़प्पा आलमगीरपुर एंड मोहनजोदारो। आलमगीरपुर कहाँ है जरा बताइए प्लाटो कमेंट सेक्शन में। कॉटन वॉज एट द बेस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच फ्लोरिस एट हरप्पन इंडस्ट्री एग्रीकल हरप्पन विच फ्लोरिस एट हरप्पा आलमगीरपुर एंड मोहनजोदारो। लिखिए आप पैराग्राफ चेंज करिए, यहाँ से लिखिए कि इंडस वैली पीपल एस्टेब्लिश ट्रेड विद फॉलोइंग एरियाज, इंडस वैली पीपल एस्टेब्लिश ट्रेड विद फॉलोइंग एरियाज, किस किस था लिखिए, मेसोपोटामिया पहला, उसी के नीचे लिखिए सुमेर, उसी के नीचे थर्ड पॉइंट लिखिए दिलमन, चौथा पॉइंट लिखिए ओमान, पांचवा पॉइंट लिखिए इजिप्ट। तो आज के ये आपको सर्च करके बताना है। आगे लिखिए मेसोपोटामिया के आगे एक लिखिए आप एक लाइन खींचिए, मतलब सॉरी फिल्म ब्लैंक आपको उसको वहां पे वहां पर आप लिखिए मेसोपोटामिया के आगे में, सुमेर के आगे में लिखिए आप एक ब्रैकेट वो लिखिए, मतलब फिल्म ब्लैंक दिलमन के आगे में एक आप फिलिंदा ब्लैंक लिखिए। और आपको पता करना है कौन सी कंट्री आज का प्रेजेंट डे कौन सा है, सुमेर कौन सा प्रेजेंट डे कंट्री है, दिलमन कौन सी कंट्री है और मेसोपोटामिया आज की कौन सी कंट्री है, ये आपको पता करना है। अगर आपसे पता करते हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे देखिए द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एंड टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडस वैली। द एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज एंड टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडस वैली एंड द इम्पोर्टेड प्रीसियस मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर कॉपर सेमी प्रीसियस स्टोन लाइक एमिथिस्ट कार्निलिज्म लैपिस लुजाऊ। नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पेलिंग लिख देता हूँ एमिथिस्ट, ठीक है कार्नेलियन, लैपिस लसुली, ठीक है। आगे बढ़िए, ये आपको डन हो गया, आपको बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका हड़प्पा का, इतना ही पढ़ना है दोस्त, इससे ऊपर नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पर कोई आपको मास्टर नहीं करना भाई, पेपर निकालना है।
ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं फटाफट, थोड़ा सा कुछ समय भी निकलता है यार, आज मुझे उसको डन भी करना है, एक टॉपिक और रह गया है यहाँ पर, रिलीजन एंड आफ्टर द डेथ ऑफ प्रैक्टिस, मतलब यहाँ का रिलीजन कैसा था, मतलब कैसा यहाँ पर जो ये लोग धर्म मतलब कैसा फॉलो करते थे, ठीक है, आखिर रिलीजियस प्रैक्टिस इनका मतलब कैसा था, मतलब जो इंडस वैली पीपल थे वो वर्शिप करते थे मेल और फीमेल दोनों डाइटीज, दोनों डिटीज को, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों डिटीज को वो लोग मतलब वो लोग क्या करते थे, मतलब वो लोग वर्शिप करते थे, वो नेचर को ही वर्शिप करते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर सर्वे में कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। और ये लोगों का जो मेथड, जो जैसे कि अगर कोई आदमी अगर डेथ हो जाता था तो ये लोग उसको कैसे मतलब दफनाया कैसे करते थे, कहीं कहीं पे फुल बरियल से, कहीं पे फ्लेक्शनल बरियल से, कहीं पर अनबुरियल से, ठीक है, मतलब कि कहीं पे पूरा मतलब अच्छे मतलब दफना दिया जा रहा है, कहीं पे फ्लेक्शनल बुरियल से, कहीं पर अनबुरियल से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मतलब कौन से रीजन में मतलब है बेसिकली मतलब। और ये लोग जो मतलब जब लोगों को, जब ये लोग जब पीपल जब डेथ हो जाता था, जब ये लोग जब लोगों को जब दफनाया करते थे, तो उसके साथ बहुत जगह ऐसा मिला है कि उसके साथ ये लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह, पोट्री, जो भी डेली लाइफ का जो लोग वो यूज़ क्या करते थे, जो उसके बहुत नज़दीक रहा हुआ लाइफ में, तो वो भी साथ में दफनाए हुए हैं। तो इससे क्या है मतलब मैसेज क्या है, इससे क्या इंप्लीकेशन है, वो लोग इस बात को मानते थे कि अदर वर्ल्ड भी है इसके बाद, जहाँ पे लोग जाएंगे तो उसका ये लोग इसके लिए यूज़ करेंगे, तो इसका एक मैसेज है। चलिए ये आपको खत्म हो गया रिलीजन में, लिखिए थोड़ा डिक्टेट कराता हूँ, इतना ही है इसने भाई, लिखिए रिलीजियन एंड आफ्टर डेथ प्रैक्टिसेस, ये आपका हेडिंग है, लिखिए इंडस वैली पीपल वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, फॉर एग्जाम्पल पशुपति शिवा एंड मदर गॉडेस, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज हो गया, दे ऑल्सो वर्शिप नेचर एंड देयर वॉज नो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चरल लाइक टेम्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दे ऑल्सो वर्शिप्ड नेचर एंड देयर वॉज नो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल लाइक टेम्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आगे लिखिए देयर वर मैनी मेथड ऑफ आफ्टर डेथ प्रैक्टिसेस इन इंडस वैली विच इंक्लूड्स फुल बरियल्स कॉमा फ्रैक्शनल बरियल्स एंड पोर्ट बरियल्स, या फिर इसको अन बरियल्स बोलते हैं, ठीक है। तेजी लिखिए भाई, बहुत तेज में लिखना है क्योंकि आपको मेंस का एग्जाम लिखना है, आपको यू हैव टू राइट द मेंस, मेंस का आपको स्पीड बिल्कुल तूफान की तरह आपको होना चाहिए भाई, आपको 3800 से लेकर 4200 वर्ड आपको लिखना है आपको, और आप मेंस में देखेंगे 20 क्वेश्चन रहता है, यूपीएससी में 10 क्वेश्चन 150 वर्ड, तो कितना हो गया आपको, ये 1500 वर्ड आपको यहाँ पर ये हो गया और 2500 वर्ड वहाँ हो गया, आपको कितना हो गया 4000 वर्ड, आपको तूफान आपको खड़ा करना पड़ेगा भाई, आपको तभी आप मेंस हो पाएगा, आपको क्लियर, राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, इस चीज़ को अभी से आप टेम्परामेंट आप बना के चलिए भाई, बड़े को 4200 वर्ड लिखने हैं आसपास, ठीक है, 3 3 घंटे में। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, दे ऑल्सो वर्शिप नेचर एंड देयर वॉज नो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर लाइक द टेम्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम्स। आगे लिखिए देयर वर मेनी मेथड ऑफ आफ्टर डेथ प्रैक्टिस इन इंडस वैली विच इंक्लूड द फुल बरियल्स फ्रैक्शनल बरियल्स एंड पोर्ट और अनबरियल्स। आगे लिखिए मोर ओवर द बॉडीज वर बरीड अलोंग विद द डेली लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक द ऑर्नामेंट्स पोटरी फूड आइटम इटीसी। आगे लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कैन बी सेड दैट इंडस वैली पीपल बिलीव इन अदर वर्ल्डली लाइफ एंड ऑल्सो दे मस्ट ऑफ थॉट दैट द डेड पर्सन मस्ट बी यूजिंग द बरीड कम्युनिटी इन द इन हिज अदर लाइफ। चलिए आपको हो गया आपको रिलीजियस एंड आफ्टर डेथ।
अगर आप नहीं लिख पा रहे तो बैक करके लिखिए इसको और छोड़िएगा मत। आप पास ऑप्शन ऑप्शन तो है ना भाई ना, कि आप बैक करके आप लिख सकते हैं, आप उसको लिखिए बैक करके। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट फेज है कि आखिर इसका डिक्लाइन कैसे हो गया। ये बहुत ही मेरे बहुत सबसे नज़दीक है ये पॉइंट, आखिर इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। कि आप बताइए, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है और हमें पता चलता है कि ये डिक्लाइन हो गई, तो कैसे आखिर क्यों, आखिर क्या ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतनी जो खतरनाक सिविलाइजेशन, मतलब इतना अर्बन सिविलाइजेशन, इतना यहाँ पर डेवलपमेंट ग्रोथ, तो अचानक ये डिक्लाइन हो गया। तो आपको लगता नहीं मतलब क्या हुआ होगा, मतलब ऐसा मतलब उसमें आप 3-4 पॉइंट आप इसको याद रख लीजिए कैसे इसका मतलब डिक्लाइन हुआ है। कुछ बोलते हैं कि भाई इन्वायरमेंट की वजह से, मतलब इन्वायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसके वजह से वो खत्म हो गए होंगे। कुछ बोलता है, कुछ बोलते हैं कि इंडस में जो है मतलब वो आपको फ्लड आ गया होगा, कोई फ्लड अपना थ्योरी देगा, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि भाई फायर की वजह से भी, ठीक है, मतलब कि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग व्यू है। कुछ बोलते हैं कि भाई वहाँ पर फेमाइन आ गया होगा, कुछ इस टाइप का। लेकिन सवाल ये है कि अगर फ्लड आया होगा तो फ्लड मान लीजिए अगर आया भी होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसका, हमने जो एरिया पढ़ा था वो आप पता है ना, मांडला से लेकर दामेबाद, आलमगीरपुर से आपको सुखता गंडोर तक, ठीक है। मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा रीज़न मान लीजिए ये पूरा होगा इंडस वैली का, और अगर इंडस रिवर यहाँ से मान लीजिए अगर जा भी रही होगी, इसमें अगर फ्लडिंग आएगा तो ये इस इतना ही रीज़न मान लीजिए अफेक्टेड होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये अचानक नहीं हो सकता भाई ये, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ड्राउट आया होगा तो यार ड्राउट इस पर्टिकुलर रीजन में आया होगा या फिर इस पर्टिकुलर रीजन में आया होगा, ऐसा थोड़ी नहीं पूरा अचानक आज मान लीजिए आज इंडिया है, हम बोलते हैं फ्लड आता है बिहार में, हाँ बिहार में फ्लड आता है, इसका क्या मतलब, क्या पूरे बिहार में फ्लड आता है? नहीं भाई, नॉर्दर्न बिहार में फ्लड आता है, वो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से कोसी निकलती है, जो आपको कोसी बेल्ट का रीजन है, जैसे कि सहरसा सुपौल मधेपुरा, तो यहाँ पर आता है फ्लड ज़्यादा। तो आप ये वाला रीजन उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, आप ही बोलते हो भाई यहाँ पे ड्राउट आ गया होगा, क्या ड्राउट अचानक सारे एरिया में आ जाएगा? ड्राउट आज के डेट में भी आता है, आप अगर मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, क्या ड्राउट नहीं आता है वहाँ पे? बिल्कुल आता है। इसका क्या मतलब वहाँ पे पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा? नहीं, ये लॉजिक सही नहीं है। तो फिर किस तरीके से, जरा आप जरा सोचिए, मैं आपसे कल इस पर क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, आप इसको लिखिए डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका हेडिंग रहेगा। कम्बिनेशन ऑफ ऑल, क्या बोल रहा हूँ, जो कम्बिनेशन ऑफ ऑल है ये सारा रीज़न रहा आपको डिक्लाइन होने का, ठीक है। क्योंकि हर एक जो भी एक सिविलाइजेशन है, दे हैव सम पीक एरियाज, उसकी लाइफ में कभी वो पीक रहता है, कभी उसका जो है वो मतलब वो डिक्लाइन, मतलब बोल सकते हैं कि उसका मतलब वो डाउनफॉल भी आता है, ठीक है। चाहे आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, हर किसी का मतलब एक तरह से पीक है, फिर उसका उसका डाउनफॉल है, ठीक है। ये बिजनेस में भी ये रूल है, इसमें आप बिल्कुल पीक पर रहेंगे फिर आप डाउनफॉल होंगे, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आगे लिखिए इसका, ये आपका हेडिंग था। इनिशियली सम ऑफ द हिस्टोरियन कोटेड आर्यन इन्वेजन, हाँ ये भी एक था थ्योरी, मतलब यहां पर आर्यन का उन्होंने इन्वेजन किया था, ठीक है। लिखिए, इनिशियली सम ऑफ द हिस्टोरियन कोटेड आर्यन इन्वेजन एज द मेन रीजन ऑफ द डिक्लाइन, स्टॉप। दे कोटेड बैटल ऑफ हरियप्पा, HARYUPPA, हरियप्पा, बैटल ऑफ हरियप्पा मेंशन इन ऋग्वेद एज बैटल ऑफ हरप्पा, स्टॉप। बट लेटर इट वॉज रिजेक्टेड इन द लैक ऑफ एविडेंस, इसको बाद में इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। आगे देखिए, मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियन नाउ बिलीव दैट क्लाइमेट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर इट्स डिक्लाइन, फुल स्टॉप। मोर ओवर देर इज अ ग्रेटर कंसेंसस ऑन फ्लडिंग एंड इनंडेशन एज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन,
इनंडेशन, सो दोस्तों ये था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आई होप कि मैंने इस टॉपिक के साथ थोड़ा सा जस्टिस तो किया ही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आप एक टॉपिक पे आप दे सकते हैं, उससे ऊपर अगर आप एक टॉपिक पर देंगे आपका दूसरा टॉपिक आपका जाएगा, ये रूल है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुका है। मैं कल आपको क्वेश्चन मैं अपलोड किया था विदाउट वॉइस वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन पे घटना का जो क्वेश्चन था, आप उसको लगाइए, जो भी विदाउट वॉइस का जो भी क्वेश्चन हो आप उससे हल्के मत लीजिए, वो आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि वहाँ पर किसी का वॉइस नहीं है, तो आपको खुद आपको थिंक करना है, आपको खुद आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। मैं उसको हाइड करता हूँ पहले आंसर कुछ सेकंड के लिए, आप उस समय आप उसका आंसर पुट करिए आप, ठीक है, और लिख देखिए आप कितना का बेसिकली आपका उसमें सही हो रहा है, ठीक है। जो भी विदाउट वॉइस का जो भी लेक्चर अवेलेबल है आप सबको आप देखिए, वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा वो, ठीक है, क्योंकि आपको रिकॉलिंग में काम करेगा। किसमें काम करेगा? रिकॉल। ये एग्जाम जो है वो ऑल अबाउट रिकॉलिंग है, आप कितना आप रिकॉल कर सकते हैं। इसी कारण जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप उसको रिकॉल करके आप उसका आंसर दें, ठीक है। चलिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ मेरा तो हैबिट है विदाउट 5 क्वेश्चन पूछे तो आपको छोड़ूंगा नहीं, इसी को आप याद रखिए। आप मुझे एक चीज़ बताएं, हड़प्पा को खोज किसने किया था, पहला क्वेश्चन यही है, और इसी में इसी का बी क्वेश्चन है, ये कौन से रिवर पर है हड़प्पा, और ये आज का प्रेजेंट डे इसका लोकेशन क्या है, ये पहला क्वेश्चन आपको हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखिए जैसा फटाफट, अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिख लीजिए भाई। सेकंड क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, इसका लोकेशन प्रेजेंट डे आज का क्या है, इसको डिस्कवर कब किया गया था और उसको करने वाले कौन थे, 3 क्वेश्चन इसमें हो गया आपको मोहनजोदड़ो में। चलिए आगे बढ़िए, आगे आप मुझे बता दिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो उसके चौहद्दी है, इसका पूरा जो एरिया इतना है, हम पढ़ते हैं ना कि इसका जो पूरा जो एरिया जो मतलब कितना था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा मतलब माना जाता है इसका अगर टोटल अगर आप एरिया लेंगे अगर आप तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ था। तो ये जो पूरा जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो भी इसका रीजन है उसका नाम बताना है, इसका नाम आपको थोड़ा सा हिंट भी देता हूँ, इसका नाम एम से है, इसका नाम ए से है, इसका नाम डी से है, इसका नाम किससे है, एस से है। ये आपको 3रा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ता हूँ चौथा क्वेश्चन में। आप मुझे बताएं कि लोथल कहाँ है, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं लोथल कहाँ है, बताइए फटाफट। ये आपको चौथा क्वेश्चन हो गया, और इसको बताएं कि लोथल कौन से स्टेट में है, और इसको डिस्कवर किसने किया था, और इसका यूज़ किया था लोथल का बेसिकली। आगे बढ़ता हूँ, चौथा क्वेश्चन हो चुका है, पांचवा क्वेश्चन, धोलावीरा अलग क्यों है, वह धोलावीरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इंडस वैली साइट्स, पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको हो गया। चलिए ठीक है, और को क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि पॉलिटी कैसा था, मतलब इंडस वैली में पॉलिटी सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज था, छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन क्या है, सोसाइटी कैसी थी, इक्वल थी या अनइक्वल थी, सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन देखिए, जो सोशल जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, मैट्रियार्कल था या फिर पैट्रियार्कल था, ये आपको हो गया आठवां क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए नौवां क्वेश्चन, लिखिए आंसर दे दो भाई, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। और क्या पूछूं आपसे इसमें, चलिए कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्योंकि मैं आप पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन हाँ अगर आपके पास कहीं पर आप एज ए नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि माना जाता है कि ये लोग लायन से अवेयर नहीं थे, इंडस वैली पीपल वर नॉट अवेयर फ्रॉम द लायन कॉ, और हॉर्स से भी लोग अवेयर नहीं थे। अवेयर मतलब क्या होता है, मतलब हॉर्स मतलब हो सकता है कि कहीं और से आ रहा होगा, लेकिन ये लोग उतने बैल वगैरह ये लोगों ने यूज नहीं किया है, ठीक है ना, कॉ लायन और हॉर्स, ठीक है, तो इससे ये लोग अवेयर नहीं थे ये जानवर से, ये पूछा जाता है कई मरतबा, ठीक है। फॉर्म प्लानिंग हो चुका है, एनिमल हस्बेंड्री हो चुका है, ठीक है।
हॉर्स लायन और कौ यहाँ पर ये लोग जानते नहीं थे, इस चीज़ को मैं आपको बता दिया हूँ जैसा इसमें है। ठीक है, सर मुझे लगता है कि टाउन प्लानिंग के बारे में मैं आपको लिखाया हूँ शायद, क्या नहीं मैं आपको शायद लिखाया हूँ टाउन प्लान, इसको इसको थोड़ा लिख लेता था टाउन प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा, शायद मैं टाउन प्लानिंग के बारे में आपको लिखाया हूँ, इनका टाउन कैसे प्लानिंग होकर था, कहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिए जहाँ पे आप बेसिकली आपको खाली पॉइंट हो लिखिए, उस पॉइंट जो लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, सिटीज आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, पहला पार्ट था सिटाडल और दूसरा पार्ट था आपको लोअर टाउन, लिखिए 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 भाई लिखिए, टाउनशिप प्लानिंग ऑफ इंडस वेरी सिविलाइजेशन, कोई बात नहीं मैं इसको मिस कर दिया था इस वाले को, पहला पॉइंट लिख लिया आपने सिटीज आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स सिटाडल और लोअर टाउन, सेकेंड पॉइंट लिखिए ग्रिड सिस्टम, क्या था ग्रिड सिस्टम था मतलब बेसिकली ग्रिड सिस्टम, थर्ड पॉइंट लिखिए फ्लैट थोड़ा सा, ब्रांड ब्रिक्स ये लोग यूज करते थे ब्रांड ब्रिक्स, उसका रेशियो कितना था 4:2:1 में लिख लीजिएगा उसको आपको ब्रैकेट में, चौथा पॉइंट लिखिए जो विंडो एंड इंट्रेंस फ्रॉम द साइड लाइन, मतलब साइड लाइन्स मतलब उसका मतलब ओपन हो मतलब हुआ करता था विंडो और इंट्रेंस, लिख लीजिए एक्सेप्शन जो लिख लीजिए वो लोथल में बस, पांचवा पॉइंट लिखिए ग्रेट ग्रेनरीज एंड ग्रेट बाथ, ये आपको क्या पांचवा पॉइंट टाउन प्लानिंग में, छठा पॉइंट लिखिए ड्रेनेज सिस्टम्स, द ड्रेनेज वाज द इन इन धोलावीरा वगैरह में काफ़ी इनका बेस बहुत ही तगड़ा था इनका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है हम सीख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम को जब आप सिटीज़ जब आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत हो रहा है आज के डेट में, तो जो ड्रेनेज पैटर्न जो इंडस वैली जो फॉलो क्या करते थे अगर हम आज उसको फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा एक बेटर हम अपने आपको कर सकते हैं, ठीक है चलिए। अब मैं आपको 8 क्वेश्चन उस समय मैं आपको पूछा था, एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन आपको ये आपको बताना है, ठीक है क्योंकि बहुत कुछ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा मतलब हालांकि पढ़ा तो दिया हूँ लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो कि आपको खुद भी आंसर देना है, एक टर्म है इसको आप मुझे समझा दीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बुस्त्रो फिडोन FEDON फिडोन, बुस्त्रो फिडोन क्या होता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि बुस्त्रोफिडेन क्या है, मतलब ये आपको एक ही वर्ड है बुस्त्रोफिडोन है BUSTROFEDON बुस्त्रोफिडोन, क्या आपने कभी इसका नाम सुना है, चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ कुछ बच्चे नए भी होंगे यहाँ पर उनको थोड़ा सा शेयर किया अच्छा रहेगा, मान लीजिए कि क्या है हमने यहाँ से स्टार्ट किया लिखना लेफ्ट टू लेफ्ट लिखा, फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ये, फिर हम लोग ये राइट लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है फिर हमने यहाँ से क्या किया फिर हमने लेफ्ट लिखना स्टार्ट किया, फिर हमने यहाँ से क्या कर दिया राइट लिखना स्टार्ट किया, लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, यही आपको क्या है बुस्त्रोफिडोन फिडेन, ठीक है समझ गया आई होप सो, उस समय जो हड़प्पन स्क्रिप्ट वो ऐसी मतलब लिखी जाती थी जो बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट थी, ठीक है चलिए दोस्तों तो ये था कुछ आपको बेसिक 8 क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूँ आप उसका आंसर दीजिएगा, और रीजन ऑफ डिक्लाइन आप जरूर याद रखिएगा, उसमें एक बहुत सारा थ्योरी उसमें क्या क्या था, एक आपको आर्यंस इन्वेजन था उसके अंदर एक थ्योरी था जो कि रिजेक्ट कर दिया गया बाद में, दूसरा था कि फ्लड के बारे में था, तीसरा क्या था क्लाइमेटिक चेंज के बारे में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद रखा, ये आपको इंटरव्यू में बेसिकली आपको पूछा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा था मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ था, ठीक है और नेचुरल कैलेमिटीज था, ये पॉइंट को आप याद रखिए नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है सो दोस्तों ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है ये खत्म हो चुका है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको घटनाचक्र से मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, मैं उसमें आप फिर अपने आपको क्वेश्चन आपको पूरा बताऊंगा और वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है और जो ऑडियो वाला है विदाउट ऑडियो वाला है आप उसको सॉल्व करिए खुद से तो आपको सेहत के लिए अच्छा रहेगा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, ओके टेक केयर एंड बाय।